sabit na bago ang interference nila. Madaling situation na may isimulay technology na baso at na pagkisari intervention ng treatment. Ito pa ang cause for critical na. Yan, say 2.300 cases, 5-6K. Even nephrologists mujhe dekhte hain. चंद एक लोग हैं कि जो खुद प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बहुत सारे हैं जो इंटरवेंशन नहीं करते बाकी नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एनीवे ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है तो अब हम चलते हैं कि डायलिसिस के प्रोग्राम का नाम भी हमने रखा था कि क्या रखा कि थीम जो है डायलिसिस डेफिनेशन ट्रेनिंग अप्रोच बेसिक बात जो होनी है सारी होनी है डायलिसिस के ऊपर इसमें हमारा कुछ ये कॉन्टेंट है कि आज हमने चीज़ें देखनी क्या एक हमारे पास क्वेश्चनर है वो हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे शुरू में उसके बाद ये है कि डायलिसिस प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी बात होगी लेकिन मेन फोकस डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर होगा क्योंकि एज अ क्लिनिशियन ये सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाना है जैसे सारे कर लेते हैं कि अगर इस हॉल में 20 टेक्नीशियन बैठे हैं तो 20 के 20 डायलिसिस कर रहे हैं लेकिन 20 में फर्क क्या है कि पेशेंट की मैनेजमेंट कौन बेहतर करता है और पेशेंट ज़्यादा लाइक भी उसी को करता है और एक ही सेंटर में चार टेक्नीशियन भी हों लेकिन बाज़ का पैसा सिनेरियो डेवलप हो जाता है और कहते हैं जी मैंने इनसे ही नीडल लगवानी है मैंने इसी से डायलिसिस करवाना है तो ये नफ्सियाती तौर पर अच्छा मैनेज करके आप पेशेंट को अपना बना लेते हैं और पेशेंट फिर आपसे नहीं होता क्योंकि उसको रिलीव मिला उसको प्रॉब्लम नहीं हुई उसको आपने अच्छे तरीके से हैंडल किया तो यही पेशेंट चाह रहा होता है इसीलिए वो आता है तो उसको हमने स्टार्ट डायलिसिस कैसे करना है ड्यूरिंग डायलिसिस मॉनिटरिंग कैसे होनी है एंड कैसे होगा कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कैसे करना है ये सारा कुछ आपको आता है कोई नई बात नहीं है कोई रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं है कि आज मैंने यहाँ पे कोई नई बातें बोल देनी है लेकिन सिर्फ ये है कि बहुत सारी चीज